खरगोन जिले के सनावद स्थित कृषि उपज मंडी में फसल बेचने आए किसान की चने की 50 किलो फसल चुराते हुए एक चोर को किसान ने रंगे हाथों पकड़ा। इस दौरान पुलिस के आने के पहले करीब आधे घंटे तक खंभे से किसान और व्यापारियों ने चोर को बांधकर बंधक बनाकर रखा। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि बंधक बनाने के दौरान आक्रोशित भीड़ ने चोर के साथ मारपीट नहीं की। हालांकि इस दौरान मंडी ऑफिस में ले जाने के दौरान चोर अंकित पिता राजू किसानों और लोगों को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। अब पुलिस चोर अंकित की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने मंडी अधिकारियों की शिकायत के बाद चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। सनावद पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मौके के वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। एएसपी मनीष खत्री ने मीडिया को बताया कि मंडी अधिकारियों की शिकायत पर चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पूरे घटनाक्रम की विवेचना की जा रही है। सीसीटीवी और मौके के वीडियो देखे जा रहे हैं। जल्द ही आरोपी को पकड़ेंगे। आरोपी को रस्सी से बांधने को लेकर एएसपी का कहना है कि शिकायत मिली है, विवेचना में सब चीजों का खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मंडी में एक चोर को पकड़ लिया था और व्यापारी और किसानों ने उसको बांध दिया, पुलिस को छुट्टी दी, उसके बाद फरार हो गए। क्या मामला सर, क्या सूचना है? सनावद मंडी में मंडी सचिव द्वारा एक रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया गया है एक चोरी के प्रयास की। इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बांध दिया था सर उसको किसानों ने? ये सभी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनमें सब पे संज्ञान लिया जा करके विधि अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चोर का नाम मामा है? अभी वो डिटेल्स जैसे अभी प्राइमरी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, अभी और जानकारी निकाल रहे हैं। आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और बाकी जानकारी भी ली जाएगी और संपूर्ण उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हिरासत में सर लेने के लिए ये प्राथमिक रिपोर्ट उन्होंने दी है कि भाग गया ऐसा कुछ। अभी जो भी है पूरे मामले पे जांच की जाएगी और उस पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।